गुड मॉर्निंग, आप नहीं, ये यहाँ पे नोएडा है, तो हमने कहा देखिए हम ऑफिस से हमारे पहचान है और आपसे दे दिया, आप बात कर लीजिए अगर आप को बता दी आपको बेनिफिट तो है, फोन रख दिया, लेडी थी नाम नहीं मालूम ये बात करते हो सवेरे सवेरे 8:35 पर ये प्रोग्राम शुरू करते हो, थोड़ा सा कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, इसी बहाने शायद हो सकता है सीखने को मिले, जानने को मिले, समझने को मिले। सुबह सुबह का क्या होता है रेगुलरिटी के कारण है या नहीं, तो कितने बजे कस्टमर मिलना है, क्या करता मैं किस किस तरीके से मैं किस किस आदमी को आज कॉन्टेक्ट करूंगा, क्या क्या मैं बात करूंगा, सारा का सारा उनका सिस्टमेटिक है, क्योंकि उनका सिस्टमेटिक है इस वजह से उनका चलता है। और बॉटम पे यही तकलीफ आती है, जिन लोगों का काम एजेंसी के अंदर नहीं चल पाता है, उसका नहीं चल पाने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि रेगुलरिटी अभी उनको मालूम नहीं है करना क्या है। एक आदमी के पास गए पॉलिसी नहीं बिका छोड़ना यार, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, और दो तीन में तो हवा पूरी तरीके से निकल जाती है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ रेगुलर, कुछ ना कुछ सिस्टम होना जरूरी है, कुछ ना कुछ ऐसा होना जरूरी है कि काम अच्छे तरीके से चले। अब वो काम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, मतलब दफ्तर में आएंगे, ब्रांच में आएंगे 12 बजे 1 बजे दफ्तर में आए, वहां पे आके तो दफ्तर में थोड़ी ना काम चलता है। ये अलग बात है कि ठीक है दफ्तर के अंदर कभी कभी एक आध पॉलिसी मिल जाता है। अब जैसे थोड़े दिन पहले वो थोड़े दिन नहीं तीन दिन पहले वो रविराज किशोर जी बैठे हुए थे, बाई चांस मेरे पास एक और आदमी बैठा था, तो मैं उसको पॉलिसी समझा रहा था, पॉलिसी समझाते समझाते वो बंदा तैयार हो गया, मैं भी 50 रुपए का पॉलिसी वो क्या बोलते हैं वो प्रदान की होता है।
पॉलिसी नंबर लग गया, तो लेकिन दफ्तर के अंदर गारंटी नहीं है कि पॉलिसी मिलेगा, लेकिन हाँ मिल भी सकता है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना मेरे पास सारे दिन आप बैठ गए, या तो राजेंद्र जी ने कई बार बताया कि मैं दफ्तर में एक अंदर उन्होंने ट्राई किया, अंदर गए किसी को मिले मिले कोई, ढेर सारे लोग आते हैं सुबह से लेकर शाम तक 150-200 लोग आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, उन लोगों से किसी ना किसी को ट्राई कर ही सकते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं उनमें से एक आध आदमी पॉलिसी करा लेता है। पॉलिसी क्यों करता है? क्योंकि उसको किसी ने पॉलिसी के लिए पूछा, ये पॉलिसी ये वाली अच्छी है, ये अच्छी है, आपको ये कराना चाहिए, तो एक आध आदमी ने किसी ने पूछा तो उसने करा लिया, उसने कहा अच्छा ठीक है आप मुझे बताइए, अब आपने बताना शुरू किया उस आदमी ने करा लिया। तो बीमा बेचने से बिकता है। हमारे पास स्वागत है, हमारे बाकी साथी हैं, चौहान साहब हैं, चौहान साहब गुड मॉर्निंग, हमारे पास देशराज कपूर जी हैं, कविराज किशोर जी हैं, मनीष कुमार कंबोज जी हैं, मैडम जी हैं, तो सभी का स्वागत है। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, जीवन कैसा चल रहा है, क्या कोई दिक्कत आ रहा है, पॉलिसियां बिक रही हैं कि नहीं बिक रही हैं, किसी से मीटिंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या क्या बातचीत हो रहा है, कस्टमर क्या क्या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कहाँ कहाँ अटकाव आ रहा है। अरे वाह क्या बात है कपूर साहब, आपको यार सवेरे सवेरे ना टाई और कोट में आते हो ना तो मेरे को गिल्ट फीलिंग होने लगती है, मुझे लगता है मेरे को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है। आप स्मार्ट एंड हैंडसम लगते हो, मैं आपकी देखा देखी मैंने भी टाई में आना शुरू कर दिया, क्या बात है कपूर साहब लीडर आदमी है। अपना माइक ऑन करके बोलिएगा क्योंकि माइक आपका बंद है, तो माइक ऑन करके बोलिएगा जो भी बोलना चाहे। रावण जी ने दो पॉलिसी बहुत बहुत बधाई जी। कपूर साहब आप बहुत बोलेंगे कुछ, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने माइक ऑन किया था अपना, कुछ जो भी बताना चाहे, जो भी आप कुछ कहना चाहें अपना माइक ऑन करके बोलिएगा, अदरवाइज हमारे आज के जो टॉपिक है हम शुरुआत करें। कुछ आप बताएंगे भाई, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई परेशानी आ रही है, कहीं कोई आपका पॉलिसी दिख पा रहा है, आ रहा है, लोग बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, क्या हो रहा है। हमारे पास कल सुबह का देशराज कपूर जी कल सुबह के प्रोग्राम में थे, धर्मेंद्र कुमार जी भी थे, 8:30 बजे राजेश टैगोर जी का प्रोग्राम था। कपूर साहब आप इसके बारे में बताएंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उस प्रोग्राम के अंदर थे, आप एज ए पार्टिसिपेंट वहां पर थे, मैं तो बता दूंगा, पीडीएफ मैंने आप सभी को भेज ही दिया है। कपूर साहब आप बताना चाहेंगे कल वाले प्रोग्राम के बारे में, वो जो 8:30 से 9:30 राजेश टैगोर जी वाला जो प्रोग्राम हुआ था। मुझे लगता है कपूर साहब नाश्ता करने में बिजी हैं, कोई बात नहीं। कल जो मैंने पीडीएफ भेजा था आपको, तो क्या वो पीडीएफ आपको मिला, क्या वो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर मैंने भेजा था। कल वो जो नंबर सेशन हुआ था, जो राजेश टैगोर वाला जो सेल्स मास्टरी का जो कोर्स था, 3 नंबर का जो सेशन हुआ था, तीसरे हफ्ते का जो सेशन हुआ था, क्या आप में से किसी को मिला, किसी ने देखा, आप हाथ हिला के बता सकते हैं या तो माइक ऑन करके बता सकते हैं। आप बताना चाहें क्या बात है, मेरे को ही सारी बातें बता दी है क्या, आप कुछ नहीं बताओगे क्या, ऐसे ऐसे चलेगा। खैर कोई बात नहीं, शुरुआत करने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, तो हमारा ये बस प्रोग्राम था कल वाला, इसके अंदर क्या हुआ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या रहा था। तीसरे हफ्ते का प्रोग्राम था, सेशन 2 राजेश टैगोर वाला जो प्रोग्राम था, सेशन 2 नहीं, कल तो सेशन 3 था, तो सेशन 3 वाला जो प्रोग्राम था कल, सेशन 3 के अंदर क्या हुआ देख लेते हैं, सेशन 3 के अंदर क्या हुआ। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बढ़िया, तो ये सेशन 3 की बात करते हैं। सेशन 3 ओके, आप बोल सकते हैं, बीच में अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। यदि आपको पसंद आए ये वाला प्रोग्राम तो आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, नहीं पसंद आए तो भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है मतलब आप बता सकते हैं। तो सेशन 3 जो है कल ये वाला प्रोग्राम रहा था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बारे में कल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा था इसको आपको मिल चुका होगा, ये वाला मैंने आपको भेजा था व्हाट्सएप के ग्रुप में, आपको मिला कि नहीं मिला, कम से कम ये तो आप बता ही सकते हैं ना, आज हिला के आप बता सकते हैं आपको मिला कि नहीं मिला। ओके, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपको इसके अंदर से क्या पता लगा, क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, क्या हुआ,
नहीं कोई भी नहीं बोलना चाह रहे क्या बात कर रहे हैं? अरे वाह, ओके ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सेशन थ्री वीक थ्री, 50 हफ्ते का ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। टूल्स एंड विजुअल एड के बारे में था कि भाई हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, विजुअल एड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पॉलिसी आसानी से दिखता है। प्रेजेंटेशन का मटेरियल, कोई किताब वगैरह, कोई कुछ दिखाने के लिए हमारे पास कुछ होता है, लीफलेट होता है, पैम्फलेट होता है, कोई भी चीज हमारे पास होता है तो हमारा पॉलिसी दिखने का संभावना बढ़ जाता है। तो खैर ये इनका रूल है, सूट पहन के, सूट इंग्लिश का 7 से 8 का रहता है, हिंदी का 8.5 से 9.5 का रहता है। टूल्स एंड विजुअल एड, टूल्स एंड विजुअल एड क्यों जरूरी है, किस तरीके से ये काम आते हैं, इनकी जरूरत क्या है, क्यों ये होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में प्रोग्राम था कल का, बहुत ही शानदार प्रोग्राम था, बहुत ही बढ़िया रहा। तो आगे चलते हैं। द मीनिंग ऑफ विजुअल एड, विजुअल एड क्या होता है, आदमी को जो दिखाई देता है। हमेशा हम बोल तो नहीं सकते हैं, हमेशा हम बोलते रहेंगे, कई सारे लोगों को नई पॉलिसी इससे समझ आता है और लोगों को बहुत सारा टाइम लगता है इस तरीके से पॉलिसी समझने में। तो ये विजुअल एड होता है तो उससे आसानी रहता है, पॉलिसी समझने में आसानी रहता है। आप में से कोई बोल के बता सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर ये ठीक से नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है, बढ़िया, पूरा का पूरा नजर आ रहा है, ठीक है भैया। तो क्या आपके लिए ये वाला टॉपिक यूजफुल है या नहीं? नहीं सर, यूजफुल है, बताइए सर। यूजफुल है, आगे चलते हैं। ये वाला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 295 लोग थे कल के प्रोग्राम में और ज्यादातर लोगों ने 5,900 रुपए का 4 हफ्ते का प्रोग्राम परचेज किया हुआ है। अदरवाइज 11,800 देने वाले भी वहां पर कम से कम 110-112 के करीब लोग हैं। तो मीनिंग ऑफ विजुअल एड, विजुअल एड क्या होता है? आदमी को जो चीज नजर आए, जो चीज आदमी को जब आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं पॉलिसी समझाते हैं तो उसको कुछ नजर आए, उसको अच्छा लगता है, कोई पैम्फलेट है, कोई ब्रोशर है, कोई किताब है, तो उसको अच्छा लगता है। ये सब चीजें उसके सामने अवेलेबल है तो उसको अच्छा लगता है, इस तरीके से उसको पॉलिसी जल्दी समझ आता है। तो ये क्या है, ये पिक्टोरियल स्टोरी है दैट हेल्प्स यू सेल। पॉलिसी बेचने में इसमें आसानी रहता है और आसानी से इसके अंदर लोगों को समझ में आ जाता है। ठीक है, हुआ ये सारा का सारा, अच्छा ये जंप मार गया, ओके मैंने गलत बटन दबा दिया, कोई बात नहीं। विजुअल एड क्या होता है, सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन। हमें जबान के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है। सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन है, ओपन आइडिया, आप जो भी आइडिया बताना चाहते हैं, जो भी कंसेप्ट बताना चाहते हैं उसका सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन है। इसके अंदर फोटोग्राफ, ग्राफ लगे हुए हैं, सिक्वेंशियल वे हेल्प द प्रोस्पेक्ट टू बाय। आपका जो भी चीज आप बताना चाह रहे हैं तो बताएंगे तो कस्टमर को खरीदने में आसानी होगी। तो विजुअल एड हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, आप जबानी बताएंगे। इस तरीके से मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों का बताने का तरीका होता है वो जबानी बताते हैं, तो जबानी बताने से तो भाई ये तो समझ में थोड़ा मुश्किल से आता है, देर से आता है, छोटा छोटा परिगम मिलता है। कल मेरे को संजीव कुमार जी ने बताया, संजीव कुमार जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि नहीं संजीव नहीं सॉरी कल सुबह की मीटिंग में नरेंद्र पाल जी ने बताया था कि जब उन्होंने इस्तेमाल किया ये वाला जो गेट यस एवरी टाइम का जो बॉक्स है, जो लाइफस्टाइल का प्रेजेंटेशन है, वो 3,000 मंथली का शायद उनका 3,532 का ऐसा कुछ लोग बता रहे थे कि प्रीमियम आ गया, 3,532 का मंथली का प्रीमियम आ गया। फायदा रहता है, लोगों को जल्दी समझ में आता है। कम्युनिकेटिंग कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट विद ईज, भारी भरकम टॉपिक को आप आसानी से समझा सकते हैं। जो आपका गेट यस एवरी टाइम, आपका करोड़ की पॉलिसी आप वैसे समझाने के लिए जाओ कितना भारी पड़ेगा आपको। आप लाइफ स्टाइल का प्रेजेंटेशन लेके जाते हो, आदमी को फटाफट समझ में आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है। विजुअल एड हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग द कंप्लीट आइडिया इन सिक्वेंशियल मैनर, आप सिस्टमैटिक 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, कस्टमर को फटाफट समझ में आ जाता है। प्रेजेंटिंग द होल आइडिया विदाउट फॉरगेटिंग, आपको एक भी चीज भूलने का सवाल ही पैदा होता, आप जितनी चीजें बताना चाहते हो आप गारंटेड तरीके से बता सकते हो। कीपिंग द इंटरेस्ट लेवल ऑफ द कस्टमर इंटैक्ट, आदमी को ना बीच बीच के अंदर वो उसको ऐसा नहीं होता कि वो बीच में आदमी कोई कुछ बोलने की कोशिश करे या तो कुछ, मतलब कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, पूरा का पूरा आपको पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एलिमिनेटिंग मेनी अननेसेसरी ऑब्जेक्शन, जो लोग बीच में, जो प्रोस्पेक्ट लोग जो बीच में फालतू के सवाल जवाब करते रहते हैं, अरे ये बता दो, वो बता दो, फलाना ढकाना, दुनिया भर के फालतू के सवाल बोलते रहते हैं, बीच की बातें ढेर सारी करते रहते हैं, ये सब की जरूरत खत्म हो जाती है। विजुअल एड डेमोन्स्ट्रेशन, लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन, ये जो लाइफ स्टाइल का प्रेजेंटेशन होता है ये भी एक विजुअल एड है। आप में से कोई बताना चाहेंगे विजुअल एड आपके पास अभी अवेलेबल कौन कौन से हैं? आप में से कोई भी बताना चाहेंगे? हेलो,
टीवीएस एवरी टाइम अवेलेबल कौन कौन से हैं, क्या डेट्स हैं, कौन से अलावा वैसा है तो नॉट ए प्रॉब्लम। इसके अंदर यदि नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमको रुकावट महसूस हो रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक रहे होंगे, तो जहां पर भी जो भी अटकाव है उन सबको चीजों को हम दूर कर लेंगे। फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स धर्मेंद्र कुमार जी है उनके पास, लेकिन क्या होता है कि कोई भी चीज को जब हम रेगुलरली उसको यदि हम रेगुलरली उसके बारे में बातचीत नहीं करते हैं तो वो चीज अटक जाती है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं पुराने तरीके जो हैं हमारे वही पुराने वाले तरीके हमारे बढ़िया हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पुराने वाले तरीके ही हमारे बढ़िया हों, अलग अलग तरीकों से पॉलिसी हम देख सकते हैं। अवेलेबल नहीं है सेल के लिए, अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है उसको यदि आप याद करें उसको समझ लें तो आप उसके द्वारा पॉलिसी आसानी से दे सकते हैं। कन्या क्या होता है, कन्या का हम दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके हैं क्योंकि उन्होंने भी ये वाला प्रोग्राम अटेंड किया था, उनको भी पता है कि इसके अंदर क्या क्या था। तो कन्या जो प्रेजेंटेशन है, कन्या का मतलब होता है ससुराल प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ससुराल होता है कि लड़की की जब हम शादी करते हैं तो लड़की की शादी करने के बाद उसके साथ में ससुराल में क्या क्या होगा इस बात की कोई भी गारंटी नहीं रहती, तो गारंटी नहीं रहती है। बाद में कभी कभी ससुराल में कई तरीके की समस्याएं आती हैं, उसके बारे में कई बारी बताती है कई बारी नहीं बताती है, कई बारी मायके वालों का ससुराल का लिहाज कर जाती है, कभी मायके वालों का, वो बहुत सारे इशू आते हैं। तो कई बारी हमने देखा है कि लड़की पूरी तरीके से खुश नहीं है फिर भी वो ससुराल में है, उसको लगता है यही मेरा पति है, यही मेरा नया घर है, यही मेरे मम्मी पापा है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहता है कि उसकी बेटी को ये सारी तकलीफें आए, इसके लिए ये वाला कन्या का प्रेजेंटेशन है। सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ स्टोरी यदि आप समझ लेंगे इसका तो आप इसके लिए अवेलेबल देख पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारी रिश्ता हमारा पक्का हुआ, जब शादी हो रही तो हम ससुराल वाले लड़की के माता पिता ससुराल वाले को क्या बोलेंगे कि इनका ना ये जो शादी आज हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए शादी हो रही है अभी 25-30 में शादी होती है, मान लीजिए 25 में शादी होती है तो हम 25 में क्या बोलेंगे कि बिटिया जब 50 साल की हो जाएगी तो बिटिया को हर साल 1,00,000 रुपए आएगा, जिंदगी भर आएगा जब तक ये 100 साल की होगी। कौन सा प्लान है ये? हेलो क्या बात है, रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब सर 934 शायद मैं रेडियो स्टेशन पर बात कर रहा हूँ, तो या तो मैं 934 नहीं है ये वाला जीवन उम्र का प्लान है। इसका मकसद क्या है, इसका फायदा क्या है, इस प्लान को बताने का फायदा ये है कि जब हम ये वाला चलाते हैं तो हमें हमें क्या बोलना है भाई, लड़की के जो माता पिता है, लड़की के माता पिता क्या बोलेंगे कि जी बिटिया को जब बिटिया 50 साल की होगी यानी आज से 25 साल बाद, तो इसका मतलब कि ससुराल वालों को उम्मीद है कि बिटिया को हर साल 1,00,000 रुपए आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम 1,00,000 बोल सकते हैं, आप 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जो भी आप बोलना चाहे वो आप बोल सकते हैं। उसका बोलने का फायदा क्या है, फायदा उसका बोलने का ये होएगा कि वहां पर हर साल 1,00,000 रुपए की गारंटी 100 साल तक। ससुराल वालों को पता है कि इस लड़की के पास में हर साल 1,00,000 रुपए आने वाला है। कई सारे ससुराल में क्या होता है
लड़की को ताने क्या सुनने पड़ते हैं, तू अपने वहां से कुछ लेकर नहीं, वहां पर वो क्या बोलते हैं तेरे मायके वाले गरीब है, ताने दुनिया भर की तकलीफ है, ये सब झमेलेबाजी होती है, तो ये सब ना हो। इसके लिए हमें क्या बोलना है कि लड़की जिस समय हो जाएगी 50 साल, लड़की को इज्जत ज्यादा मिलने वाली है या कम मिलने वाली है, लड़की का जीवन कैसा होने वाला है, बताना चाहेंगे नहीं बताना चाहेंगे आप में से? आप माइक ऑन करेंगे तो आप बोल पाएंगे। हेलो, क्या ये प्लान चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा? बढ़िया हाँ रहेगा, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ओके, देखो आप यदि मेरे को जवाब देते रहोगे तो मैं ज्यादा, नहीं दोगे तो खैर 2-4 मिनट में शायद हमारा टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। मतलब पार्टिसिपेशन करने से हम सबसे ज्यादा सीखते हैं, पार्टिसिपेशन करने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे, उतना ज्यादा समझ पाएंगे, उतना जल्दी इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। तो कन्या ये वाला जो प्रेजेंटेशन है, जिंदगी, लड़की की जिंदगी क्या होती है, ये पूरा इसके अंदर बता रखा है, और इसके द्वारा जीवन उमंग पॉलिसी बेचने में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जीवन उमंग के लिए हम बोल सकते हैं, लड़की की जिंदगी को गारंटेड करने के लिए आप ऐसा कर लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की कहानी बताने से आपका जीवन उमंग का सेल में आपको मदद मिल सकता है? आप माइक ऑन करके बोलेंगे तो आवाज आएगी आपकी, वरना नहीं आएगी। बदल सकता है सर, बढ़िया हो सकता कहानी हो सकता है, ठीक है, बढ़िया। तो इसके अलावा हमारे पास और भी टूल्स अवेलेबल हैं। व्हाई शुड यू बी ऑलवेज इक्विप्ड विद टूल्स? आपके पास टूल्स क्यों होने चाहिए? लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आता है। एक टूल, सेट ऑफ इक्विपमेंट और सेट ऑफ मटेरियल क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू डेमोन्स्ट्रेट एन आइडिया। आप जो भी आइडिया बताना चाह रहे हैं लोगों को जल्दी से समझ में आए, आप फैक्ट और फिगर बताते हैं, आप लीडर के द्वारा बताते हैं, आप ऑल इन वन के द्वारा बताते हैं, इसमें लोगों को टाइम लगता है। आप कोई आइडिया बताते हैं लोगों को फटाफट समझ में आता है, आसानी से आप बीमा बेच सकते हैं। अब ये वाला जो है ये मैं आपको करके नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें समय जाएगा। ये वाला मोमबत्ती वाला जो है, मोमबत्ती के द्वारा पॉलिसी किस तरीके से बेचा जाता है, मेरे ख्याल से हमारे पास समय ज्यादा अवेलेबल होगा तो शायद हम इसको इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक तो उसका दिमाग खुल जाता है, वो पहले से सोच के बैठा है कि भाई ये एजेंट मेरे पास आएगा, ऐसा बताएगा वैसा बताएगा, एजेंट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये सब जमेलेबाजी खत्म हो जाती है। उसको एक नए तरीके से बीमा समझने का मौका मिलता है, हमें एक नए तरीके से बीमा समझाने का मौका मिलता है, उसको समझ जल्दी आता है, उसको जरूरत महसूस हो जाती है और वो फटाफट पैसा दे डालता है। टूल कैसा होना चाहिए? आसान होना चाहिए, फटाफट वो कस्टमर पूरी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए ऐसा होना चाहिए, समझ में आए और जिससे आपका पॉलिसी बिके वैसा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंट यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ टूल। टूल्स का इस्तेमाल क्या होता है? सेल ओपन करने में, बात की शुरुआत करने में, प्रेजेंट करने में, डेमोन्स्ट्रेट करने में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आदमी इधर उधर फालतू के सवाल ना पूछे, बहाने ना मारे, उन सब के लिए होता है, क्लोजिंग में पैसा लेने में होता है, रेफरेंस किस तरीके से मिले उसके लिए टूल्स का इस्तेमाल होता है। तो टूल डेमोन्स्ट्रेशन, इसके साथ ही ये आपका जो पीडीएफ इसके साथ ही खत्म होता है। तो आप में से कौन इसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे या बोल सकते हैं? कुछ आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया नहीं आया, क्या था क्या नहीं था? क्या जो मकसद है वो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, हम लोग सुबह की अच्छी शुरुआत करें तो हमारा पॉलिसी बढ़िया तरीके से दिख सकता है। हमें सुबह की बढ़िया शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन सुबह की बढ़िया शुरुआत करने के लिए मतलब या तो आप अपना माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं, शायद हो सकता है ऐसा रीजन हो, या तो आप किसी और काम में बिजी हैं, या जो भी है आप यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। अब मैं वन साइडेड यदि बोलूँ तो मेरे को तो कोई समस्या नहीं है, मैं तो बोल दूंगा वन साइडेड,
लेकिन आप यदि पार्टिसिपेशन आपका रहेगा तो आपको भी जल्दी समझ आएगा और आपको समझने अच्छा लगेगा। इसी के साथ हमारा समय है 1 मिनट ऊपर हो चुका है। आज के प्रोग्राम के बारे में आपके से कौन कौन साथी बोलना चाहेंगे, आज आपको कैसा कैसा लगा, आप अपना माइक ऑन करिएगा उसके बाद बोलिएगा। आज यहाँ पर आए आपको क्या कैसा लगा? आज यहाँ पे आने का फायदा ये कि एक नए काउंसिल के बारे में पता चला। ठीक है, और साथी बताने चुका है ऑलरेडी लेंगे आपको बोल।